शांति। आज की तारीख है 21/9/13 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा जो हम बच्चों को अपने लक्ष्य को पहुंचाते हैं। अर्थात लक्ष्य भी बाबा ने दिया कि तुम्हें क्या बनना है इस पढ़ाई से। कौन सी पढ़ाई? ईश्वरीय पढ़ाई, जो स्वयं ईश्वर परम शिक्षक बनकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमें लक्ष्य क्या दिया कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। तो ऐसे लक्ष्य और लक्षण धारण कराने वाले मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है, पूर्ण बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। बाबा को पवित्र बच्चे पसंद आते हैं क्योंकि वो है सबसे ऊंचे ते ऊंचा परम पवित्र, और उसने जो सृष्टि रची वो भी पवित्र। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दिल दर्पण में देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? उत्तर देखो, बाबा क्या बता रहे हैं कि तुम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो, क्योंकि खुशी मनाते हैं ना हम कि हम स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। तो खुशी कहाँ मिलती है? उत्सव मनाते हैं तो खुशी मिलती है। तो रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। कलम लगाते हैं ना कोई भी नए पेड़ को लगाने के लिए, तो वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते और नाम देते हैं वनोत्सव। हाँ, वो कल में लगा के कहेंगे हम वन में उत्सव मना रहे हैं, परंतु तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई भी मना नहीं सकता। गीत बजा है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1 योग बल से। हाँ, योग से शक्ति मिलती है, ऐसे योग से बल भी प्राप्त होता है। तो योग बल से क्या करना है? विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। तो तैरने के लिए बहुत ताकत चाहिए, तो ताकत माना बल। तो बाबा कहते हैं बहुत बड़ी विषय वैतरणी नदी है ये कलयुग, तो उसमें तुमको पार करने के लिए ताकत चाहिए। उल्टे संकल्पों में स्वयं को मुरझाना नहीं है। हाँ, कई बार क्या खुद ही खुद संकल्प करते, गिल्टी में आते और खुद ही मुरझा जाते। तो बाबा कहते ऐसे मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। नंबर 2 है पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। वरदान है क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो हमारे पास परख शक्ति होगी, और परख शक्ति जिनके पास क्लियर होगी वो निर्णय भी बुद्धि से यथार्थ करेंगे, और जो निर्णय यथार्थ करेंगे उनके कर्म यथार्थ होंगे, और जिनके कर्म यथार्थ होंगे वो नेचुरली सफलता को प्राप्त करेंगे। तो बाबा कहते हैं सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो, तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। कोई मुंझाने वाली बात आवे तो हमें क्या करना है, बाप की याद में और संकल्प कुछ न करें, बाप की याद में रहें। तो क्लियर लाइन क्लियर रहने से और खुद भी क्लियर होने से हमारी परख शक्ति तेज हो जाती है, तो फिर हम यथार्थ निर्णय कर पाते हैं। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क और संबंध वाले का मूड, उस समय उसी प्रमाण फिर चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, ये भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मुहूर्त बना देती है। कभी कभी तो इमीडिएट हमको तुरंत वो व्यक्ति आई, बात हुई, वातावरण बना और हमें तुरंत निर्णय लेना पड़ता है और तुरंत हमें सफलता को भी प्राप्त करना होता है। तो बाबा कहते हैं ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। स्लोगन है आज का, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लक्की सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं। अंधकार में आने वाले नहीं। हाँ, जब सोचों में पड़ जाते हैं तो क्या होता है, अंधकार ही अंधकार आ जाता है, छा जाता है, तो दिशा नहीं सूझती है, तो फिर परख कर निर्णय नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य के साथ लक्की सितारे बन जाना है, अंधकार को मिटाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।